वेलकम अगेन टू लर्न विद दीदीमन। तो लास्ट वीडियो हमने देखा था संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका के ऊपर, तो उस वीडियो में मैंने हर पॉइंट जो है वो हर शब्द आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप सबको समझ में भी आया होगा। तो इसी तरीके से आज हम संविधान के नेक्स्ट टॉपिक संविधान की अनुसूचियों के बारे में बात करेंगे कि मूल संविधान में हमारी कितनी अनुसूचियां थी, वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं, कौन सी अनुसूची जो है वो नई जोड़ी गई है। ठीक है, सभी कुछ हम डिस्कस करेंगे, बिल्कुल याद करने की कोशिश करेंगे, यहीं पर आपको याद भी हो जाए। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे मूल संविधान में जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। उस समय अनुसूचियां थी हमारे मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, हमारी थी 8 अनुसूचियां। ठीक है, याद रखना। लेकिन वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं, वर्तमान में है 12 अनुसूचियां। आज हम बात करने वाले हैं उन 12 अनुसूचियों के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अनुसूची 1 यानी पहली अनुसूची में हमें क्या मिलता है, भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख मिलता है कि भारत में कितने राज्य होंगे और कितने केंद्र शासित प्रदेश होंगे। तो हमें पता है कि वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इसका उल्लेख हमें किसमें मिलता है, इसलिए मिलता है हमें पहली अनुसूची में। बिल्कुल याद रखना है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख मिलता है हमें अनुसूची 1 में। दूसरी अनुसूची में हमें वेतन भत्ते संबंधी जो उल्लेख है वह मिलता है। जो भी बड़े पदाधिकारी हैं, जैसे प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, भारत के महान्यायवादी हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, इनको जो वेतन भत्ते हैं वो कितना होगा, इनका उल्लेख जो है वो हमें अनुसूची 2 में मिलता है, दूसरी अनुसूची में मिलता है। जैसे प्रधानमंत्री जो है उनको सांसद के रूप में मिलता है, उसके बाद उपराष्ट्रपति जो है उनको जो राज्यसभा के सभापति है उस रूप में मिलता है वेतन। तो ये सब जो भी उल्लेख है ये हमें दूसरी अनुसूची में मिलता है। तीसरी अनुसूची में जो पदाधिकारी है उनको जो शपथ ग्रहण का जो प्रावधान है वो हमें तीसरी अनुसूची में मिलता है। ठीक है, इस चीज को आपको याद रखना है कि पद ग्रहण के समय ली जाने वाली जो शपथ है उसका उल्लेख हमें मिलता है अनुसूची 3 में। अब जब हमने भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश देख लिए कि कितने राज्य होंगे, कितने केंद्र शासित प्रदेश होंगे, तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि उसके उनको संभालने के लिए जो पदाधिकारी होंगे उनको कितना वेतन भत्ता दिया जाए। जब यह हमें पता लग जाएगा तो फिर हम उनसे शपथ भी दिलवाएंगे, उनसे शपथ भी यह भी पता करवाएंगे कि उन्होंने शपथ ली है या नहीं। इस तरीके से आप याद रखिएगा, सबसे फर्स्ट में हमने देखा कि भारत में कितने राज्य होंगे और कितने केंद्र शासित प्रदेश होंगे। सेकंड में हमने देखा कि वेतन भत्ते जो है वो क्या होगा, पदाधिकारियों को दिए जाने वाला वेतन भत्ते कितना होगा, इसका उल्लेख है। थर्ड में हमने देखा कि शपथ जो है वह किस तरीके से दिलाई जाएगी, यानी पद ग्रहण के समय जो ली जाने वाली शपथ है उसका उल्लेख हमें तीसरी अनुसूची में मिलता है। चौथी अनुसूची में हमें क्या मिलता है कि राज्यों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व कितना होगा, राज्यसभा का जो सीटों का आवंटन है वो कितना होगा। अब राज्य लिख लिए हैं कितने राज्य हैं, तो ये सभी राज्य जो है वो अपनी मर्जी से ही जितने लोग होंगे, जितने इनके प्रतिनिधित्व होंगे वो उनको नहीं भेजेगा अपनी मर्जी से, बल्कि इनकी सीटों का आवंटन जो है वह भी उल्लेखित है कि कितना जो सीट है वो इनके लिए वहां पर सुरक्षित है। तो हमें पता है कि राज्यसभा में 233 जो सीटें हैं वो हर राज्य से शामिल होती है राज्यसभा में। ठीक है, नेक्स्ट है पांचवी अनुसूची। पांचवी अनुसूची में है अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल ट्राइब, इनका उल्लेख मिलता है। अब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में क्या फर्क होता है, सबसे पहले ये जानिए। अनुसूचित जाति वो होती है कि हमारे समाज में एक ऐसा ग्रुप होता है जिसे कि कुछ जो बड़ा ग्रुप होता है यानी कि जो उच्च श्रेणी का ग्रुप होता है उसने उन्हें निम्न श्रेणी का रखा है। अंबेडकर जी जिस चीज के लिए लड़े थे यानी कि दलित वर्गों के लिए लड़े थे, तो वो यही अनुसूचित जाति होती है, लेकिन फिर भी इनको एक अलग कैटेगरी में रख दिया जाता है। तो इनका जो आरक्षण संबंधी प्रावधान है वो हमें अनुसूची 5 में मिलता है। वही जो शेड्यूल ट्राइब है अनुसूचित जनजाति, अब ये क्या होती है, ये समाज में नहीं रहती है बल्कि समाज से हटके अपना एक
ग्रुप जो है वो बनाती है, यानी जंगलों में वनों में हम देखते हैं कि एक समूह जो है वो रहता है, उनका अलग ही कल्चर होता है, उनकी अलग ही संस्कृति होती है। तो इन सभी का आरक्षण जो है इसका प्रावधान हमें मिलता है अनुसूची 5 में, ठीक है। तो पांचवी अनुसूची जो है वो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पर लिखा है। नेक्स्ट है छठवीं अनुसूची में हमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये जो 4 राज्य हैं, इनकी जनजाति क्षेत्रों का उल्लेख है, ठीक है। शेड्यूल ट्राइब यहाँ की जो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये जो 4 राज्य हैं, यहाँ के जो शेड्यूल ट्राइब हैं, जनजातियां हैं, इनका उल्लेख हमें छठवीं अनुसूची में मिलता है। तो एक बार दोबारा से रिकॉल करिए, पहली अनुसूची में हमने देखा कि भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख, सेकेंड में हमने देखा कि पदाधिकारियों के वेतन भत्ते संबंधी उल्लेख, थर्ड में देखा हमने शपथ संबंधी उल्लेख, फोर्थ में हमने देखा कि भाई जो अब राज्य बन गए हैं तो राज्यों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व यानी सीटों का आवंटन, पांचवी में हमने देखा कि एससी एसटी का जो आरक्षण है उससे संबंधित उल्लेख है, छठवीं में देखा कि 4 जो राज्य हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर को नहीं यहाँ पर ऐड किया गया है, हालांकि मणिपुर जो है वो यहाँ पर शामिल होने की बहुत कोशिश में तो है, लेकिन फिर भी 4 जो संविधान में अनुसूचियों में उल्लेखित केवल 4 राज्य ही हैं, आपको ये याद रखने हैं, AMTM, ठीक है, इस तरीके से याद रखना, और मणिपुर यहाँ पर शामिल नहीं है, तो इस जनजाति क्षेत्रों का यहाँ पर उल्लेख किया गया है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं सातवीं अनुसूची पर। सातवीं अनुसूची जो है वो संघ यानी केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा। अब जब यहाँ तक हमने देख लिया कि राज्यों को सब कुछ प्राप्त हो गया है, अनुसूचित जाति जनजाति यहाँ का भी उल्लेख हो चुका है, अब बात आती है केंद्र और राज्यों के बीच यदि टकराव होता है, कौन कौन सी बातों पर टकराव होता है, तो इसके लिए शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया, यानी कुछ जो कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र को होगा और कुछ अधिकार जो है वो राज्यों का होगा, कितना केंद्र को होगा कितना राज्य को होगा यह सब हमें यहाँ पर मिलता है, ठीक है, जो हमें संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची के रूप में मिलता है। तो संघ सूची पर कानून कौन बनाएगा, संघ बनाएगा, केंद्र बनाएगा, राज्य सूची पर कानून जो है वो राज्य बनाएगा, और संवर्ती सूची पर कानून जो है वो केंद्र और राज्य दोनों बनाएंगे। तो हमें यह भी पता करना है कि केंद्र जो है वो वर्तमान में 100 विषयों पर कानून बना सकता है, वही राज्य की यदि बात करें तो राज्य जो है वो 61 विषयों पर कानून बना सकता है, ठीक है। पहले कितना था, केंद्र जो है वो 97 विषयों पर कानून बना सकता था, लेकिन आपको वर्तमान में 100 विषयों पर, आपको वर्तमान जो डेटा है उसको याद रखना है, केंद्र 100 विषयों पर कानून बना सकता है, राज्य 61 पर कानून बना सकता है, और संवर्ती सूची में कितने विषयों को शामिल किया गया है जिस पर केंद्र राज्य दोनों ही कानून बना सकती है, तो वो है 52 यानी कि 52 विषयों पर कानून जो है वो संवर्ती सूची में शामिल है जिस पर केंद्र राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। नेक्स्ट जो अनुसूची है वो है 8वीं अनुसूची, 22 भाषाओं का उल्लेख। हमारे जो संविधान की 8वीं अनुसूची है वहां पर हमें यह मिलता है कि 22 भाषाओं का उल्लेख जो है वो किया गया है, 22 भाषाएं को शामिल किया गया है, लेकिन यदि पूछा जाए कि मूल संविधान में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया था, तो याद रखना है 22 नहीं 14 भाषाएं जो है उस वक्त शामिल हुई थी। अब मूल संविधान यानी कि वही बात 26 जनवरी 1950 को जब संविधान जो है वो बनकर तैयार हुआ था उसी को मूल संविधान कहते हैं। तो अभी वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं। नेक्स्ट है भूमि सुधार और संपत्ति के अधिकार का अधिग्रहण। भूमि सुधार और संपत्ति के अधिकार का अधिग्रहण हमें कौन से अनुसूची में मिलता है, अनुसूची 9 में। प्रश्न किस तरीके से आएगा, प्रश्न इस तरीके से आएगा कि कौन सी अनुसूची है जिसमें हमें संपत्ति के अधिग्रहण संबंधी कानून का उल्लेख मिलता है, संपत्ति के अधिकार का जो अधिग्रहण है ये उल्लेख हमें किसमें मिलता है, कौन सी अनुसूची में मिलता है, तो अनुसूची 9 में मिलता है। 10वीं अनुसूची जो है वो दल बदल का प्रावधान है, जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं दल बदल कर सकती हैं, ठीक है, यह उनको अधिकार है, तो दल बदल का जो प्रावधान है यह हमें मिलता है अनुसूची 10 में, ठीक है। तो 10 से 10 और 10 से दल, ठीक है, इस तरीके से आप याद रखिएगा। 11वीं अनुसूची जो है वो पंचायती राज संस्थाओं का उल्लेख मिलता है, यह अनुसूची पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है। 12वीं अनुसूची जो है वो नगरीय क्षेत्रों में स्वशासन संस्थाओं से संबंधित है, इनको शामिल बाद में किया गया, हमारे मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, हमें पता है बाद में 4 जोड़ी गई थी, बाद में ये 4 जो है वो जोड़ी गई थी, ठीक है।
तो पंचायती राज संस्थाओं का उल्लेख जो है वो हमें 11वीं अनुसूची में मिलता है। इसके अलावा ये भी याद रखना है कि इसे किसमें कब जोड़ा गया था, 73वें संविधान संशोधन 1992-93 के अकॉर्डिंग, 73वें संविधान संशोधन 1992-93 के अनुसार यहाँ 29 विषयों को शामिल किया गया, किसमें, पंचायती राज संस्थाओं में, ठीक है, पंचायती राज संस्थाओं में 29 विषय शामिल किए गए। वही 12वीं अनुसूची की बात करते हैं तो यह नगरीय क्षेत्रों से संबंधित है, नगरीय क्षेत्र में जहाँ पर हमने बात की थी, हमने क्वेश्चन आंसर सीरीज में भी ये चीज पढ़ी थी कि संस्थाओं को 3 स्तर पर बांटा जाता है, नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम, ठीक है। तो यह उल्लेख जो है वो कहाँ मिलता है, 12वीं अनुसूची में। यह 74वें संविधान संशोधन 1992-93 के अंतर्गत यहाँ पर 18 विषयों को शामिल किया गया, और पंचायती राज व्यवस्था में कितने विषयों को शामिल किया गया था, पंचायती राज संस्थाओं में शामिल किया गया था, हमने देखा था 29 विषय, ठीक है, कितने विषयों को शामिल किया गया था, 29 विषयों को शामिल किया गया, और नगरीय क्षेत्रों में कितने, 18 विषयों को शामिल किया गया। तो कुछ ये फैक्ट है, ये भी आपको याद रखने होंगे, ठीक है। अब पूछा जाता है कि 11वीं और 12वीं अनुसूची में किसका उल्लेख मिलता है, तो बिल्कुल झट से हमें याद होना चाहिए, 11वीं में हमें पंचायती राज संस्थाओं का उल्लेख मिलता है, 12वीं में हमें नगरीय संस्थाओं का उल्लेख मिलता है। चलिए एक बार रिकॉल कर लेते हैं जिससे कि आपको बहुत अच्छे से याद करने में आसानी होगी। इसी तरीके से याद करिएगा, देखिए हर चीज की ट्रिक जो है वो नहीं होती, कुछ चीजें समझने की होती है और समझ कर वो याद रहती है जिंदगी भर। फर्स्ट हमने देखा कि भारत में जो राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश है, इसका उल्लेख है। सेकंड में वेतन भत्ते का उल्लेख है। थर्ड में जो वेतन भत्ते दिए गए हैं उनकी शपथ का उल्लेख है। उसके बाद राज्यसभा में जो सीटें कितनी होंगी राज्यों से उसका उल्लेख है। उसके बाद SC ST का उल्लेख है। फिर 4 जो राज्य है 6वीं अनुसूची में उनका उल्लेख है। इस तरीके से आप याद करिए। 7वीं में हमने देखा कि भाई अब हमने सब कुछ देख लिया है तो भी केंद्र राज्यों के बीच में झगड़ा हो सकता है तो शक्तियों का बंटवारा भी होना चाहिए। 8वीं अनुसूची में भाषा से संबंधित है कि 22 भाषाएं शामिल की गई है। 9वीं अनुसूची में संपत्ति और भूमि से संबंधित उल्लेख है। 10वीं अनुसूची में हमने देखा 10 दल से याद किया तो दल बदल संबंधी है। 11वीं में हमने पंचायती राज व्यवस्था को देखा और 12वीं में हमने नगरीय शासन को देखा। तो इस तरीके से आपकी अनुसूचियां पूरी होती हैं। 12 अनुसूचियां हैं, आपको बहुत अच्छे से इनको याद करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के संपूर्ण, जैसे हमने अनुसूचियां याद की है इसी तरीके से हम नेक्स्ट वीडियो जो है वो अनुच्छेदों के ऊपर लेकर आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।